हमारी जिंदगी में खुशियों के दिन बहुत थोड़े हैं। ये जो शादी है समाजी तौर पे खुश होने का दिन है, समाजी तौर पे खानदान के आगे बढ़ने का दिन है और इसको भी हम आमतौर पे सड़े हुए तरीके से मनाते हैं। दुल्हा और दुल्हन को अपनी हद का इल्म होता है, उन्होंने अगर रोमांस करना है तो अपने कमरे में करेंगे, पर दोनों अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है। इसी तरह के एक रिश्ते में माँ और बाप भी हैं, तो क्या माँ और बाप के एक कमरे में सोने से, एक जगह बैठने से, इकट्ठा खाने से, कभी मुस्कुराने से घर का माहौल ख़राब होता है? यानी ये रिश्ता इतना पसंदीदा, इतना शानदार, इतना महबूब कि इसकी लज्जत और खुशी लेनी चाहिए। सुड़ने कुड़ने जलने और इसकी खुशी कम करने के लिए या हसद के मारे इस तरह के जुमले कहने से ये अंदाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। क्या रोमांस से घर का माहौल ख़राब होता है? क्या नए शादीशुदा जोड़े जो आपका अपना ही बेटा होता है अपनी बीवी के साथ हंसता मुस्कुराता घर में फिरे तो घर का माहौल ख़राब होता है? क्या नया दुल्हा और नए दुल्हन अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे खाने खाते हुए, अच्छे अच्छे जेस्चर दें तो घर की लड़कियों पर बुरा असर पड़ता है? वैसे मैं इस तरह के फजूल सवालों को सुनने के बाद सोचता हूँ ये किस दुखी दिल ने सवाल भेजा है। आंखें बंद करके मैं बता सकता हूँ कि ये सवाल लड़की ने भेजा होगा या लड़के ने। कभी घर का कोई मर्द, कोई भाई, कोई बाप इस तरह का फजूल सवाल नहीं भेज सकता। अच्छा, आप सोचिए, एक फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ फुटबॉल गेम हो रही है, हिट तेज़ लग रही है, आहिस्ता लग रही है, तो क्या इससे माहौल ख़राब हो रहा होगा? इनफैक्ट जब आप किचन में राइस पका रहे होते हैं, उसकी खुशबू बाहर तक आ रही होती है, तो क्या उससे घर का माहौल ख़राब होता है? जिस वक्त आप दुल्हा और दुल्हन को मेकअप करा रहे होते हैं, क्या घर का माहौल ख़राब हो रहा होता है? जब उनके शादी की तैयारियां, उनके कपड़े, उनका लेना, उनका देना, इवन मुंह दिखाई के तोहफे तैयार हो रहे होते हैं, तो क्या घर का माहौल ख़राब करने की तैयारी हो रही होती है? क्या इस बीच में जब सब मेहमान बैठे होते हैं और वहाँ दुल्हे को मजाक मजाक में ऐसे करके दिखाया जाता है, तो क्या इससे घर का माहौल ख़राब होता है? हमारी ज़िंदगी में खुशियों के दिन बहुत थोड़े हैं। दीनी तौर पे दो दिन हैं, बड़ी ईद है, छोटी ईद है, और इसको भी हम आम तौर पे सड़े हुए तरीके से मनाते हैं। ये जो शादी है समाजी तौर पे खुश होने का दिन है, समाजी तौर पे ख़ानदान के आगे बढ़ने का दिन है, समाजी तौर पे नए लोगों के आपके साथ जुड़ने का दिन है, और उन दोनों के साथ साथ कितने ही लोग ऐसे होते हैं। आप सोचिए, जब दुल्हा के दोस्त शादी वाले दिन छुहारे उसको चखाते हैं कि तुम थोड़ी दंदी काट लो, और फिर कहते हैं जूठे छुहारे खाने से उसकी शादी जल्दी हो जाती है, जूठा दूध पिलाने से जल्दी, तो क्या इससे माहौल ख़राब होता है? दुल्हन दूल्हे के साथ बैठ जाए तो क्या वहाँ को पागलपन का दौरा पड़ जाएगा? हम एबनॉर्मल चीज़ें क्यों सोचते हैं? इस तरह की सोच जब भी घर में प्रवेल करती है तो घर की किसी बुढ़ी औरत की वजह से नहीं, किसी जवान औरत की वजह से। कोई फ्रस्ट्रेटेड, यानी या डिवोर्सी हो, मुतलका हो, या वो लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, या आपके इज़्ज़ा वक़ार में से वो जिसे ये खुशियाँ जहर लग रही होती हैं। सो ए अच्छे और मासूम लोगों, जब शादी वाले घर में आरजू किया करो, दुआ किया करो कि बहुत अच्छा माहौल रहे। दुल्हा और दुल्हन को अपनी हद का इल्म होता है, उन्होंने अगर रोमांस करना है तो अपने कमरे में करेंगे, उन्होंने एक दूसरे को छूना है तो अपने कमरे में करेंगे, पर दोनों अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? दोनों अगर इकट्ठे बैठ रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? दुल्हा और दुल्हन को दिन में तीन तीन दफ़ा सूट बदलने चाहिए। इस सूट बदलने का किसी लड़की या लड़के के अखलाक पर क्या फ़र्क पड़ेगा? दुल्हन अगर सुबह देर से उठी है और गुसल करने के बाद उसके बाल गीले हैं तो इससे किसी के अखलाक पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये फ़र्क आप हैं जो आपके दिल में डला हुआ होता है। ये वो कुदूरत है, ये वो छोटा दिल है, छोटा ज़र्फ है जो उस घर में खुशी को फैलने नहीं देते, होने नहीं देते। दुआएं कर करके, आरजुएं कर करके माँ और बाप ने और बहन भाइयों ने इस दिन को बुलाया होता है। वैसे इसी घर में, इसी तरह के एक रिश्ते में माँ और बाप भी हैं, तो क्या माँ और बाप के एक कमरे में सोने से, एक जगह बैठने से, इकट्ठा खाने से,
कभी मुस्कुराने से घर का माहौल ख़राब होता है। इसी घर में जेठ होता है, जेठानी होती है, देवर होता है, देवरानी होती है, नंद होता है, नंदुइया होता है, तो क्या जो ही उनको आप देखेंगे, ये तो आपके दिल का मसला है, ये तो दिल का चोर है। यानी आप हर चीज़ को सेक्स से जोड़ देते हैं, अपने तौर पर पूरी कहानी बना लेते हैं, पूरा मंजर क्रिएट कर लेते हैं, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। दुल्हा और दुल्हन को प्राइवेसी देने के लिए हनीमून पे भेजा जाता है ताकि एक दूसरे को समझें। अच्छा, सब जानते होते हैं कि शादी निकाह करके किस लिए लेके आए हैं और उसके नतायज क्या होंगे। ये खुशी के नतायज हैं, इसको दीन ने इबादत कहा, समाज ने उसकी अप्रूवल दी कि ये लड़का और ये लड़की जो पहले एक दूसरे के लिए गैर थे, अब एक दूसरे के साथी नहीं हैं, जिंदगी के साथी हैं। जो ये करेंगे उसको सोसाइटी की छतर छाया, सोसाइटी की ब्लेसिंग, सोसाइटी की दुआएं, और जितनी अच्छी ख्वातीन होती हैं वो तो पहले दिन दुआएं करने लग जाती हैं, ए अल्लाह हमारे बच्ची को, हमारे बच्चे को साहिब औलाद करना। वैसे ये जो कहते हैं रोमांस से माहौल ख़राब होता है, तो फिर आप उनको कोई नई ऐप बताएंगे कि दुल्हा दुल्हन दूर दूर बैठे हैं, दरमियान में 5 फुट के फासले पे, और जब उनको औलाद चाहिए हो तो इस ऐप से डाउनलोड कर लें, या फिर आप उन्हें किसी ऐसे परिंदे से मिलवाएंगे कि जो सुबह 4 बजे 5 बजे चूंच में टोकरी पकड़ के आए और दरवाजे के बाहर रख के चले जाए कि भाई जी मोहम्मद तफैल तुम्हारे घर में एक बेबी कुदरत की तरफ से आया है और जाके उसको वसूल करो। यानी आप कोई इस तरह की सोशल सर्विस करना चाहते हैं। मुझे याद है एक ज़माने में एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा मैं कैसे पैदा हुआ, तो उसने कहा बेटा वो गमले में कुछ बीज लगाए थे तो ऊपर से हमने ढांप दिया, उसमें से उग गए, तो तुम उसमें से बड़े थे, हम तुम्हें उठा के अपने घर ले आए। तो बच्चे ने भी जाके इस रोमांस का इजहार ये किया कि इसमें कुछ बीज बोए, ऊपर टोकरी दे दी, तो 2-3 दिन के जाके उसने उठा के देखा तो वहाँ छोटे छोटे डड्डू के बच्चे फिर रहे थे और उधर मकरू से थे, बुरी शक्ल वाले। उन्होंने तीनों को उठाया, उठा के हाथ पे रखा और उन्होंने कहा शक्ल से तुम मुझे जहर लगते हो, पर क्या करूँ, तुम मेरी औलाद हो, मेरे अपने हाथ से तुमको। ख़वातीन हज़रात, दुनिया बदल गई है, अब कोई परिंदा, कोई टोकरी, कोई फरिश्ता ले। वैसे बाय द वे क़यामत के बाद अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत का जो सबसे खूबसूरत मंजर खींचा है वो भी रोमांस का है, कि वहाँ दुल्हे होंगे, उनके साथ बेशुमार दुल्हनें होंगी, और अल्लाह कहते हैं कि उनके दिलों में बुरा ख्याल नहीं होगा, एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, जब चाहे वो रोमांस करेंगे। यानी ये तरगीब इनाम के तौर पे बताया, यानी ये रिश्ता इतना पसंदीदा, इतना शानदार, इतना महबूब कि इसकी लज्जत और खुशी लेनी चाहिए। सुड़ने कुड़ने जलने और इसकी खुशी कम करने के लिए या हसद के मारे इस तरह के जुमले कहने से ये अंदाज़ा होगा, जिस घर में भी ऐसी कुछ औरतें, चाहे वो करीबी फूफियों, ताइयाँ, नाइयाँ, चाचियाँ हों, जो भी कहे, ये जान लीजिएगा कि ये हासिद है, हसद के मारे इस घर की खुशी को कम करना चाहते हैं। अगर उसने ये बराह रास्त दुल्हन से बात कही या दुल्हे से कही, तो उनमें से तो कोई नहीं कह सकेगा कि एक ज़माना वो था, वो गुजर गया जब दुल्हन कहती थी कि दुल्हे के अब्बा लस्सी के ऊपर तैर रहे हैं, तो अब तो हाथ पकड़ के अगर डाइनिंग टेबल पे भी बैठेंगे और एक दूसरे को प्लेट करीब खिसका देंगे, तो उनके इस रोमांटिक एक्ट से घर के अखलाक को क्या फ़र्क पड़ेगा। और अगर दुल्हा थोड़ा सा बेशर्म हो और एक लुकमा अपने अब्बा के कहने पे, अम्मा के कहने पे पहला लुकमा उठा के दुल्हन के मुंह में डाल दे, तो सिवाय इसके कि आप तालियां बजाओ, खुश हो, मोहब्बत का इजहार करो, दुआ दो कि इनकी मोहब्बत इसी तौर पर चलती रहे, तो इस बात को जान लीजिएगा, दुल्हा दुल्हन के इकट्ठे बैठने, इकट्ठा मुस्कुराने से, इकट्ठा मूव करने से, बार बार कपड़े बदलने से खुशी आती है, राहत आती है, उस घर में एक वो जो होती ना ब्रीज वो चलती है, पर जलन हसद की लू इसको नहीं चलना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।